हाय गाइस, आई एम वेलकम बैक टू माय चैनल। अ वेरी गुड इवनिंग। तो देखिए, चेहरे से अभी रंग उतरा ही नहीं होली का कि हम जुट गए फिर अपने नॉर्मल रूटीन में। वो कहते हैं ना, अभी तो बहू के हाथ से हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी कि लगा दिया काम पर। वैसे ही त्योहार खत्म हुए नहीं, एक तो काम का इतना पाइलअप हो जाता है त्योहार की वजह से, बहुत सारे एक्स्ट्रा काम निकल आते, इतना घर साफ करना पड़ा मुझे। आपने होली का ब्लॉग देखा, किस तरह पागल, मतलब क्या बता, पागलपन था वो। पागल मतलब पागलों जैसा खेला है हमने, लेडीज ने स्पेशली। बच्चे तो खेलते ही हर साल, इस साल हम भी एकदम मतलब दिल का हर भड़ास निकाल दिया है खेल के। देखा ही आप लोगों ने होली के ब्लॉग में, वो तो मैं बहुत कम दिखाई हूँ क्योंकि शूट नहीं हो पाया था। उस वक्त मेरे बार बार मोबाइल गिर रहा था, गिर कर तो स्क्रीन का ऊपर का थोड़ा क्रैक भी हो गया, तो मैं फिर घर आकर चली गई घर में कि नहीं भाई मोबाइल खराब हो जाएगा। तो जो भी मुझे, जो भी मैं शूट कर पाई थी तब मैंने वो आपके साथ शेयर किया है। आप लोगों ने ब्लॉग ऑलरेडी देख लिया है। तो खैर, हम तो वापस आ गए अपनी नॉर्मल जिंदगी में, फिर वही घिसी पिटी है भगवान सीरियल की तरह। तो आज मैं थोड़ा सा तैयार हूँ, मैं निकल रही हूँ, जा रही हूँ बाहर, बाहर नहीं, मैं नीचे जा रही हूँ। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, दुकानें बंद थी, तो घर में दूध नहीं है, स्पेशली मुझे चाय भी नसीब नहीं हुई है। और मैं अपने हस्बैंड को आपको बता नहीं सकती कितना मिस कर रही हूँ। क्यों मिस कर रही हूँ? क्योंकि वो दूध लाते थे इस वक्त ऑफिस से लौटते वक्त। हाँ, वो सुनेंगे तो सोचेंगे किस लिए मिस कर रही है मुझे। हाँ, वो है नहीं, इज आउट ऑफ टाउन, तो मैं मिस कर रही हूँ। हे भगवान, कहाँ हैं आप? तो खैर, एनीवेज, मैं जा रही हूँ दूध लेकर आऊंगी। और आप थंबनेल से समझ ही गए हैं, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा डिनर रूटीन। त्योहार चले गए तो क्या हुआ, अच्छा खा नहीं सकते, फिर खाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी, वो मेरी बेटी की तो फेवरेट है, तो मतलब वेज में फेवरेट है, पनीर की रेसिपी है। बटर, मटर, जो भी बोलिए, मटर डालिए, बटर डालिए, पनीर है। अपने स्टाइल में मैं कैसे बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी, तो जुड़े रहिएगा वीडियो में। मैं लौट कर आऊंगी दुकान से, शॉप से, और आप लोगों को लेकर चलूंगी सीधे मेरे किचन में। कहीं मत जाइएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और क्या करना है, अगर चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए मेरे साथ तो मेरे सफर में। तो बने रहिए, मैं लौट कर आती हूँ और फिर मिलेंगे सीधे किचन में। तो बिल्कुल कहीं मत जाना, आती हूँ वापस। तो गाइस, वेलकम टू माय किचन। तो यहाँ मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, क्यूब पनीर, मैंने जो मलाई पनीर आती है अमूल की, वो लिया है। कोई भी ले लीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, घर की बनी हुई हो तो और भी अच्छी है। तो मसाले का जो मैं पेस्ट तैयार करूंगी ना, उसके लिए यहाँ मैंने लिया है 2 ऐसे मीडियम साइज प्याज, 1 लहसुन मैंने लिया है, काफी बड़ा था इसमें जो क्लोव्स थे, इसलिए 8-10 निकले होंगे। ले लीजिए आप एक मीडियम साइज लहसुन, और ऐसे 2.5 इंच का एक जिंजर ले लीजिए, कोई खास प्रोपोर्शन कंट्रोल की जरूरत नहीं है। और एक ऐसा मीडियम टू लार्ज साइज का टमाटर ले लिया है, टमाटर भी मैं इसी के साथ पीस लूंगी, उससे बहुत अच्छा कलर, टेक्सचर और टेस्ट भी अच्छा आता है, ऐसा मुझे लगता है। तो सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ मैंने वो पेस्ट तैयार कर लिया है, और टेक्सचर एकदम स्मूथ रखिए, इससे आपकी ग्रेवी बहुत सिल्की बनेगी। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ मैंने कढ़ाई ले लिया है, इसमें 2-3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, पनीर फ्राई करेंगे। तो ये क्यूब्स मैं इसमें डाल रही हूँ अभी, इसे अच्छे से मुझे लाल करके फ्राई करना थोड़ा पसंद है, इसीलिए मेरे घर में भी सब पसंद करते हैं उसी तरह, थोड़ा रेडिश। आप चाहे तो इसे थोड़ा हल्का फ्राई करके भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम रेडिश पसंद करते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से इन क्यूब्स को फ्राई कर लूंगी। तो ये देखिए, मैं चलाकर धीरे धीरे थोड़ी देर में फ्लेम में रख दूंगी इसको, ज्यादा फ्लेम हाई करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए अच्छा कलर आ गया है, जैसे गोल्डन कलर आता है, हमें ये अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और हमें लगता है इससे स्वाद भी ज्यादा अच्छा आता है। तो ये मैंने इसे ट्रांसफर कर लिया एक बोल में। अब जो बचा हुआ ऑयल है, उसमें मैंने और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है, और अब वो मसाले का पेस्ट मैं पूरा इसमें डाल दूंगी। आप एक चीज नोटिस करेंगे, मैं खड़े मसाले यूज नहीं कर रही हूँ इसमें, क्योंकि वो मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता है। आप चाहे तो यूज करें, मैं बाद में खैर गरम मसाला यूज करूंगी, वो आप देखिएगा। मैं यूज नहीं करती खड़े मसाले, क्योंकि वो मुंह में आता है तो मेरे घर में सब लोग मतलब मना करते, स्पेशली बेटा मेरा एकदम मना करता है कि मुंह में आता है।
अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी, और देखिए मसाला कितना अच्छा तेल छोड़ने लगा है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाल रही हूँ यहाँ पर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला मैंने, और अब इसमें आप स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिए। ज्यादा तीखा करना चाहे तो ज्यादा डालिए, और मसाले को अच्छे से चलाइए। तेल इसमें थोड़ा सा जेनरस अमाउंट यूज करिए, लेकिन ये थोड़ी सी रिच ग्रेवी अच्छी लगती है, हमें अच्छी लगती है उसी तरह, इसलिए मैं थोड़ा सा ऑयल ज्यादा यूज करती हूँ। एक आध बार खाने में थोड़ा ज्यादा ऑयल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए कितना सुंदर अभी तेल छोड़ने लगा है मसाला। तो इस तरह हम थोड़ी देर लो फ्लेम में मसाले को पकने देंगे, इससे अच्छा टेस्ट भी आता है मसाला अच्छे से भुने। तो अब मैंने डाला है नमक, मसाले में डालिए स्वाद अनुसार डालिए, बाद में हम ग्रेवी में डाल लेंगे। फिर थोड़ा सा मैंने चुटकी भर चीनी डाला है, इससे फ्लेवर काफी उभर कर आता है, बहुत अच्छा लगता है चीनी, और थोड़ा सा अगर मिठास हो इसमें, क्योंकि मैं बना रही हूँ ना वो मटर बटर पनीर बना रही हूँ मटर के साथ, तो उसमें ये अच्छा लगता है, थोड़ा मीठा मीठा फ्लेवर अच्छा लगता है। तो अच्छे से मसाले को चला लीजिए और हल्के फ्लेम में उसे छोड़ दीजिए भुनने के लिए। यहाँ मैं यूज करूंगी मटर, मटर थोड़ा सा ही मैंने लिया है, क्योंकि मेरे बेटे को मटर पसंद नहीं है और मुझे मटर पसंद है, पनीर पसंद नहीं है तो मैं मटर यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो मटर ना भी यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ अच्छे से मटर, इसको अच्छे से चला लीजिए, मिला लीजिए अच्छी तरह से, और मसाले के साथ भून लीजिए। मटर आप फ्रोजन यूज करती हूँ, अभी तो हरा मटर मिलता है, तो आप वो यूज करें, उससे और अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए मैं इसे पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ रही हूँ। अब मैंने इसमें डाले जो फ्राई किए हुए पनीर, अब इसे अच्छे से मिलाइए, एकदम अच्छे से मसाला पनीर एक साथ फ्राई हो जाए मटर के साथ, इस तरह अच्छी तरह से उसे मिक्स करिए, और थोड़ी देर के लिए उसे मसाले के साथ फ्राई करिए। इससे अच्छा और टेस्ट उभर कर आता है, और मसाले ऐसे लगता है जैसे कि पनीर के अंदर भी मसाले अच्छी तरह से सीप इन कर गए हों। अब हम लेते हैं 2 टेबलस्पून, यहाँ मैंने मलाई लिया है, दूध का एकदम फ्रेश मलाई लिया। आप चाहे तो वो अमूल का जो फ्रेश क्रीम आता है वो ले लीजिए, लेकिन मैं ज्यादातर ही फ्रेश मलाई यूज करती हूँ। तो यहाँ देखिए कितना सुंदर मसाले से तेल छूट रहा है और अच्छे से पक रहा है, इसे धीमी आंच पर ही पकाए। तो अब हम चलते हैं मलाई की तरफ। इस मलाई में मैं 2-3 टेबलस्पून, कोई खास प्रोपोर्शन कंट्रोल की जरूरत नहीं है, मैं इसमें दूध डालूंगी। दूध डाल के इसका एक अच्छा मिक्सचर मैं तैयार करूंगी। ऐसे ही मैं करती हूँ इस प्रोसीडियर से, अच्छा बनता है इसे, बहुत अच्छा आता है ग्रेवी का टेक्सचर। तो इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूंगी मलाई को इसके साथ में, अच्छी तरह से जब मिल जाए तब अब हम इसको क्या करेंगे, मिक्स अच्छी तरह से कर लीजिए। अब हम इस मिक्सचर को यूज करेंगे, जो मसाला हमारा तैयार हुआ है, जो पनीर और मटर और मसाला जो भुना हुआ है, उसमें हम ये मिक्सचर अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद ये देखिए मैंने डाल दिया। अब इसे डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसको चला लेंगे। देखिए अभी से आपको पता चलेगा कि ग्रेवी का जो टेक्सचर है किस तरह बदल गया है, क्रीमी, बहुत ही एक सिल्की टेक्सचर आ जाता है इस मलाई से। होममेड हो तो, फ्रेश हो तो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन अवेलेबल ना हो तो फ्रेश क्रीम यूज कर ले। देखिए उस मलाई को डालने के बाद कितना अच्छा कलर आ जाता है, खुद से ही, यहाँ कोई कलर यूज नहीं किया गया है। अब मैंने डाला है 1/2 कप पानी, अंदाजे से पानी डालिए, अपने हिसाब से कितना थिक रखना। मुझे ज्यादा ये पतला ग्रेवी नहीं पसंद है, थोड़ा डेंस ग्रेवी पसंद है, इसलिए मैं ज्यादा पानी यूज नहीं करती हूँ। 1/2 कप ऑफ वाटर इज मोर देन इनफ। आप अपने हिसाब से डालिए, उससे कोई ऐसे जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ जाता है टेस्ट में। तो ये ग्रेवी देखिए अभी देखने में कितनी सुंदर अच्छी लग रही है। अब इसमें उबाल आने के लिए हमने थोड़ा फ्लेम हाई किया, और अब मैं ग्रेवी में स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से नमक डालिए, जितना आपको पसंद है उतना, ग्रेवी को थोड़ा टेस्ट कर ले, ऑब्वियसली टू बी ऑन द सेफ साइड। अब ये देखिए इसमें उबाल आ रहा है और ये ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। ये लास्ट स्टेप में मैंने यहाँ डाला है थोड़ा सा कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून ले लीजिए कसूरी मेथी, डालकर मिला लीजिए। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत एसेंशियल है इस तरह के मटर पनीर या बटर पनीर या मलाई पनीर या मेरे जैसे ये पूरा जो मिक्सचर मैंने बनाया है। लास्ट में मैं डाल रही हूँ घर में बना हुआ फ्रेशली ग्राउंड गरम मसाला, इससे एकदम मतलब बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बाजार के गरम मसाले से मैं तो कहूंगी 100 गुना ज्यादा एनहांस होता है फ्लेवर इससे। और अब लास्ट में हम इसे एक उबाल के लिए उबाल लाएंगे और फिर गैस बंद कर देंगे।
अब मैंने इसे अपने सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है और ऊपर से डाला है बटर। जितना चाहे बटर यूज करिए, जितना डालिएगा उतना ही स्वाद बढ़ेगा। सिर्फ पनीर थोड़ा ही खाएंगे, इसके लिए मैंने साथ तैयार की है ये मसाले वाली पूरी। मसाला पूरी मतलब इसमें मैंने अजवाइन, काला जीरा आटा में डालकर सान लिया था और नमक डाला है। इससे बहुत बहुत अच्छा लगता है, पूरियों का भी स्वाद बढ़ जाता है इससे। और आज हमारे डिनर में है ये हमारी मटर बटर मलाई पनीर, कुछ भी बोल लीजिए इसे, और गर्मा गर्म पूरियां, मसाले पूरियां हैं ये, बहुत ही अच्छा यम। तो ये था आज मेरा डिनर रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं, पहली बार इन पूरियों को और पनीर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए मेरे साथ मेरे सफर में। सो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।